जैसे वायु तत्वों को शांत करते हैं जी, क्या बोला आपने? तांबे के लोटे में पानी, हाँ तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? ये तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीने का नियम उनके लिए है जिनको बहुत तकलीफ है शरीर में, ऐसी जिसके कारण अंदर के शरीर में ताम्र की मात्रा कम हो गई है, उनके लिए है। माने हमको ऐसी कोई बीमारी हो गई जिस बीमारी में तांबे की मात्रा, शरीर में तांबा होता है, शरीर में सोना भी होता है, शरीर में चांदी भी है, शरीर में लोहा भी है, ऐसे 18 तत्व हमारे शरीर, और ये सब मिट्टी से आए हैं। मिट्टी से जो कुछ भी अन्न पैदा होता है उसमें ये सब होते हैं, हम उसे खाते हैं तो हमारे शरीर में आते हैं। तो शरीर में तांबे की मात्रा जब कम हो जाती है तो कई बीमारियां आती हैं। उनमें से एक बीमारी बताओ जो आजकल बहुत आती है, सिर के बाल जल्दी गिरना। ये जितने बाल झड़ने वाले मरीज हैं जिनको ये शिकायत है कि हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं, समझ लीजिए शरीर में ताम्र तत्व की कमी हो गई है, माने तांबे की कमी हो गई है। तो ऐसे लोगों को तांबे के लोटे में रखकर पानी पीना बहुत अच्छा होगा, बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह से आंखों की रोशनी कम हो गई है, उसमें भी ताम्र तत्व तो कम हो जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि तांबे में रखा हुआ लोटे का पानी आप पिए। ऐसे कुछ मरीज हैं जिनके बारे में मैं कल और परसों दोनों दिन में बताने वाला हूं कि किनको ये पीना है, लेकिन आज प्रश्न आ गया इसलिए इशारे में कहता हूं कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो सादा पानी ही आपके लिए सबसे अच्छा है, और अगर है तो कल आप ध्यान रखिएगा, मैं बीमारियों की एक सूची पढ़कर बताने वाला हूं, उसमें आप कहां फिट होते हैं उसके हिसाब से आप तांबे के लोटे का पानी पी सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, तांबे के लोटे का पानी लगातार नहीं पी सकते, बीच बीच में उसको रोकना पड़ता है। 3 महीने लगातार पी लिया, अब 1 महीने छोड़ दीजिए, फिर 1 महीने छोड़कर फिर 3 महीने पी लीजिए, फिर 1 महीने छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने पी लीजिए, फिर एक, ऐसे करके चलेंगे तभी उसके परिणाम अच्छे आएंगे, नहीं तो एक दूसरी कोई बीमारी लग गई तो आप फिर उसके लिए परेशान हो जाएंगे।